कानपुर में कमिश्नेट लागू होने के बाद जिले से अपराध खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, फिर भी बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा। खुलेआम बाइक सवारों ने शराब की दुकान के सेल्समैन के साथ कट्टे की बट से हमला करके 2,36,000 कैश का बैग उड़ा ले गए। पूरा मामला कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ललनपुरवा का है, जहां पर शराब की दुकान में काम करने वाला धर्मेंद्र सेल्समैन कल्याणपुर के केशवपुरम स्थित दुकान बंद करके अपने मालिक के घर नवाबगंज जा रहा था। तभी घात लगाए लुटेरों ने सेल्समैन के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सेल्समैन लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाइक सवार लुटेरों ने मौका देख सेल्समैन का बैग लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और केशवपुरम स्थित दुकान के सीसीटीवी कैमरों में कई संदिग्ध युवक कैद हुए हैं। पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है। वहीं नवाबगंज पुलिस ने पीड़ित सेल्समैन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है। जी बताओ, तुम कल कहाँ पे, तुम्हारी शॉप है कहाँ से कहाँ जा रहे थे, अब क्या हुआ तुम्हारे? हमारी आवास विकास में केशवपुरम पे शराब की दुकान, वहाँ के सेल्समैन है। हाँ। कैश लेके हम मालिक के अपने भैया के घर नवाबगंज जा रहे थे। नवाबगंज निवासी हम भी, जाते में ही चिड़ियाघर क्रॉस करने के बाद मल्लमपुरवा चौराहे पहले दो बाइक से पांच लड़के आए और ओवरटेक करके हमको मारा, धक्का दे के मारा और पूरा बैग छीन ले गए। और कुछ था? और कट्टे की बट से मार के छीन के ले गए। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने भैया को फ़ोन लगाया, सारी घटना बताई, फिर फोर्स आई, उसके बाद पट्टी उट्टी भाई है। कितना कैश था? 2,32,000। यह पटना थाना नवाबगंज से संबंधित है। कल रात्रि में शराब की दुकान पर कार्य करने वाले धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि सेल्समैन है, ये कल रात्रि में दुकान बंद करके वापस अपने घर जा रहे थे। इस दौरान जो है इनके पास 2,35,000 रुपये थे, जो कि बैग में रखे हुए थे। कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने इनका पीछा किया और पीछा करने के बाद जो है उस बैग को इनसे छीन लिया। प्रकरण के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।